हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिपार्टमेंटल स्टोर्स वर्सेस चेन स्टोर्स इसमें डिफरेंस क्या है चलिए शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है दीज डील्स दीज डील विद अ वरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द कस्टमर्स डिपार्टमेंटल स्टोर में तो सारा सामान मिल जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर में सारी वेरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती हैं मगर चेन स्टोर में क्या होता है दीज आर स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन प्रोडक्ट ऑनली अगर स्पोर्ट्स का सामान है तो स्पोर्ट्स का ही मिलेगा अगर क्या आप कहते हैं चेन स्टोर में जैसे नाइक है उसमें एक ही टाइप का सामान मिलेगा अगर बर्गर किंग का है तो उसमें एक ही टाइप का सामान मिलेगा ठीक है अगर पिज्जे वाला है तो उसमें एक ही टाइप का सामान मिलेगा तो हर एक टाइप में एक ही तरह का सामान अवेलेबल होता है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफर बोथ कैश एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर तो वो कैश की फैसिलिटी भी देते हैं क्रेडिट की फैसिलिटी भी देते हैं जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं उनको क्रेडिट भी दे देते हैं बट ऑन द अदर हैंड चेन स्टोर भाई कैश पे माल बेचता है कर्जा भूल जाओ यहाँ पे होगा यार घर के बाहर किसी ने बाइक स्टार्ट कर दी वो रेस दे जा रहा है सर्दी बहुत है लग रहा है उसकी बाइक गर्म नहीं हो रही है. थर्ड पॉइंट आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर सेंट्रली लोकेटेड इन बिग सिटीज डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स हैं वो बिग सिटीज में ऐसी जगह पे होते हैं जो सेंट्रली लोकेटेड शहर के बीचों बीच होती हैं ऑन द अदर हैंड चेन स्टोर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस चेन स्टोर्स तो भाई एक ही सिटी में अलग अलग जगह हो गया एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पे खुले होंगे तभी तो चेन बनी ना उनकी चेन स्टोर्स की तो फिर डिपार्टमेंटल में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है देर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो डिपार्टमेंटल स्टोर तो एक ही जगह खुला हुआ है ठीक है वहां पर रिस्क काफी तगड़ा है क्योंकि एक ही जगह उसका बिजनेस है दूसरी तरफ रिस्क गेट्स स्प्रेड ओवर द स्टोर लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज क्योंकि अगर एक चेन स्टोर पर सामान नहीं बिका क्या पता दूसरी में डबल बिक जाए तो ओवरऑल उनका जो लॉस है वो कम हो जाए ठीक है ना इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स बिलोंगिंग टू हायर इनकम ग्रुप्स तो जितने भी अमीर कबीर लोग हैं अमीर लोग हैं वही डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं मगर दूसरी तरफ चेन स्टोर्स में दे अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम ऑल इनकम्स अब पिज्जा खाने या फिर जो ऐसी ऐसी चीज़ें जो वेरियस चेन स्टोर हैं उसमें तो गरीब भी चला जाता है अमीर भी चला जाता है मिडिल क्लास भी चला जाता है अपर मिडिल हो लोअर मिडिल हो सारे चले जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफर वेरियस सर्विसेज लाइक रेस्ट्रां फ्री होम डिलीवरी एट्सट्रा एट्सट्रा डिपार्टमेंटल स्टोर्स काफ़ी फैसिलिटी देता है चेन स्टोर्स में ऐसा भूल जाओ कोई फैसिलिटी नहीं होती हालांकि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करो तो पिज़्ज़ा घर पर आ जाता है कई बार फोन करके भी आ जाता है ठीक है तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अडॉप्ट डिफरेंट डेकोरेशन एंड डिस्प्ले तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के खुले होते हैं और उन उनपे डिस्प्ले और उनका वो फर्नीचर फर्नीचर या फिर उनका माल रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑल चेन स्टोर्स हैव यूनिफॉर्म डेकोरेशन एंड डिस्प्ले अगर आप एक जैसे नाइक के चेन स्टोर पे जा रहे हो वो एक जैसा होगा मैकडा डौ, मैकडोनल्ड के जा रहे हो बर्गर खाने तो वो पूरे इंडिया में या किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वो एक जैसा आपको मिलेगा फर्नीचर तकरीबन एक जैसा होता है उनका नेक्स्ट आ जाता है प्राइजिंग चार्ज इन ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर नॉट फिक्सड एंड यूनिफॉर्म क्या पता एक डिपार्टमेंटल स्टोर में साबुन का क्या रेट है दूसरे में कोई और रेट है मगर जो चेन स्टोर होते हैं उसमें तो प्राइजेस सेम रहता है ना ठीक है ना ये भी डिफरेंस है नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स एडवर्टीज़ इन लोकल सिटीज ओनली ठीक है तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स अपनी मशहूरियाँ करते हैं लोकल एरिया में ही मशहूरियाँ करते हैं क्योंकि उनका दुकान ही लोकल जगह पे है मगर जो चेन स्टोर्स हैं वो नेशनल लेवल पे अपनी मशहूरियाँ करते हैं उनको पता है कहीं भी भी सामान बिकेगा उस कंट्री में उन्हीं की उन्हीं की चेन स्टोर पर बिकेगा ना नेक्स्ट आ जाता है देर इज़ मोर फ्लैक्सीबिलिटी इन ऑपरेशन इन डिपार्टमेंटल स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर काम करने में थोड़े फ्लैक्सिबल होते हैं क्यों दे uh, uh, अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल अपॉर्चुनिटीज टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें चेंजेस लाते रहते हैं मगर दूसरी तरफ देर इज नो और वेरी लेस फ्लेक्सीबिलिटी एज द पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाई हेड ऑफिस एंड दे आर दे कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकल अपॉर्चुनिटीज तो उसमें क्या होता है लोकल अपॉर्चुनिटीज के चेंज होने से उनकी पॉलिसीज चेंज नहीं होती तो काम करने में रिजिडनेस चेंज स्टोर्स पर ज्यादा होती है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ वो की मेल ऑर्डर रिटेलिंग पे टिल देन टेक केयर हैव एन आई स्टे।